एक लड़का जिसके पास सिटी में रहने के लिए घर नहीं होता, अमीर लड़कियों के साथ अफेयर करता है, उन्हीं के साथ रखता है। हेलो फ्रेंड, आज हम स्प्रिट 2019 रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे क्या होगा इस मूवी में हम देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन करेक्टर निक्की को देखते हैं, जो कि काफ़ी पुअर फैमिली से होता है। और तभी हम देखते हैं कि वह सोचता है कि मैं काफ़ी लक्की हूँ और वह सभी लड़कियों के साथ अफेयर करके उनके साथ रहना चाहता है। उसे बचपन में उसकी मदर की एक आंटी उसे लाइक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वह तभी इस मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और सेंटेंस आता है। और तभी हम देखते हैं कि निकी एक क्लब में आया हुआ है और उसे एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा होता है और वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही होती है, लेकिन निकी उसके पीछे। तभी हम देखते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें उसके पास थी, इससे निकी काफ़ी आकर्षित हो जाता है। और ये हमारी एक मेन करेक्टर समंता है। और तभी हम देखते हैं निक्की उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो? कहती नहीं। तो उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी हुई? नहीं। तो पूछता है कि निक्की तुम्हारे फैमिली में कोई और है? तब निक्की को समंता कहती है नहीं। समंता बोलती है कि तुम मुझे जानते भी नहीं, तभी मुझसे क्यों इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो? समंता से तभी वह स्टूपिड सी क्वेश्चन पूछता है और समंता से बातें करने और तभी उसे किस कर लेता है। तभी हम देखते हैं समंता के साथ निक्की चला जाता है उसके घर पे और वहाँ पे वह इंजॉय करता है। और निक्की और समंता यहाँ पे देखते हैं काफ़ी इंजॉय करते हैं। तभी हम देखते हैं वह सोचता है कि अमीर लड़कियों को काफ़ी फ्लर्ट कर, तभी वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और सुबह निक्की को उठा रही होती है समंता, लेकिन निक्की उठता नहीं, उसका एक प्लानिंग होता है। निक्की तभी उसे सरप्राइज करती है और तभी देखते हैं निक्की समंता के लिए कुछ स्पेशल कुकिंग कर रहा होता है, लेकिन निक्की को कुकिंग करना आता भी नहीं, लेकिन निक्की जो था ट्राई कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियों को ट्राई करने वाले लड़के काफ़ी। तभी निक्की यहाँ पे आती है और तभी देखते हैं कि समंता आती है और निक्की काफ़ी उसे प्रफुल्लित करना चाहता था और निक्की समंता का काफ़ी ख्याल रखता है। और तभी हम देखते हैं कि निक्की और समंता आपस में इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं समंता के लिए निक्की कुछ बाय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि समंता बोलती है कि हम मैं न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं। और तभी वो निक्की से पूछती हूँ चलोगे साथ? निक्की कहता है नहीं, मैं तुम्हें हर साथ न्यूयॉर्क नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे सोचता है कि मुझे पार्टी करना, इसीलिए वह समंता को मना कर देता है। और समंता को ड्राफ्ट करने के बाद वह पार्टी करने लगता है और क्लब में जाता है। वहाँ पे देखते हैं कि उसे उसका एक और फ्रेंड जो उसका फ्रेंड था उसका नाम था हेरी के पास चले। तभी वहाँ देखते हैं कि हेरी से काफ़ी बात कर रहा होता है निक्की। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है निक्की की और उसकी काफ़ी मजा लेने लगती है और तभी निक्की उसे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन यहाँ पे हेरी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसे एक और लड़की भी कैफ़े में मिलती है और उसे काफ़ी तभी उसे होम में ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। तभी हम देखते हैं हेरी और निक्की आपस में बात कर रहे हैं। निक्की पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे क्या बता रही होती है, तुमने पार्टी की हुई थी नहीं? तभी हेरी कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में काफ़ी चीज़ पूछ रही होती है और उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर निक्की एक स्विमिंग पूल में आया हुआ है और सभी लड़कियों से बात कर और आज देखते हैं कि तभी वह कहता है कि मुझे सभी लड़कियों से बात करना पड़ता है क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, यही वह प्लानिंग कर रहा होता है। तभी मेड काफ़ी चीज़ें क्लीन। तभी हम देखते हैं कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि उससे प्यार कर रही होती है, उसे काफ़ी दिनों से जानती है और उससे कहती है तुम ये सब छोड़ दो, ये ज़्यादा दिन तक चलेगा, 10 साल तक ऐसे ही चलता रहा ना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि दोनों आपस में इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम काफ़ी सुधरने वाले नहीं। तभी उसे पता चल जाता है कि
निक्की निक्की मेरा ख्याल नहीं रखता है और वो निक्की से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करती है और तभी वो समझ जाती है, तभी वहाँ से वह चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि समंता आ जाती है, समंता को पता चल जाता है कि निक्की किसी लड़की के साथ कांड कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं समंता निक्की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, उसे लाश से मारती है। तभी निक्की कहता है हम दोनों के बीच कोई संबंध तो है नहीं। तभी वो बताया फ्रेंड्स विथ बेनिफिट हो हम दोनों के पास है और हम दोनों तभी यहाँ पे फिर से अपना अफेयर कंटिन्यू चालू रखते हैं। तभी हम देखते हैं कि निक्की कैफे में आया है और एक और मेन करेक्टर जिसका नाम है हैदर से काफ़ी बात करता है। हैदर उसे भाव नहीं देती है, हैदर से काफ़ी फ्लर्ट करने लगता है निक्की। और तभी वह कैफे में नाश्ता करके वहाँ से चला जाता है और पैसा नहीं जमा। तभी हैदर उसे पैसा लेने के लिए उसके पास आ जाती है डायरेक्ट, क्योंकि उसे पता था कि हैदर यहीं पे रहता है। तभी हम देखते हैं हैदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर उसे पैसा ले। तभी हम देखते हैं निक्की और समंता, और आज देखते हैं कि निक्की समंता से में काफ़ी इंटरेस्ट कम रखता है और दोनों दोस्त आपस में फ्लर्ट करते हुए हैदर के कैफे में आ जाते हैं और निक्की काफ़ी फेक कॉल कर रहा था, उसके पोल खुल जाती है। वो अपने आप को काफ़ी बिजी दिखाता है लेकिन उसका पोल खुल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो रॉन्ग पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ा किया होता है। तभी एक लेडीज ऑफिसर को वह काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करता है, हैदर देख के काफ़ी हंसती है, हैरान रहती। तभी समंता को पता चलता है कि निक्की मेरे केयर नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड हैरी के पास आया है, उसके कपड़े सूंघ सूंघ के कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मेलिंग कर रहा है, उससे फाइट हो जाती है और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि निक्की के पास हैदर आ जाती है, हैदर पूछती है तुम कैसे हो। तभी वो बता ठीक है सभी। तभी वो उसके साथ काफ़ी फ्लर्ट करने, तभी उसके पास एक कॉल आता है, उसमें वो मैंकी करके वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं निक्की काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम समंता को देखते हैं, समंता निक्की से पूछती है तुम किसी और लड़की के साथ अफेयर नहीं कर रहे। समंता तुरंत वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको डॉक्टरी में जाना होता है और वह उसे बताती नहीं किस लिए जा रही। तभी हम देखते हैं कि उसके पास कुछ खाने के लिए जाता है। तभी यहाँ देखते हैं कॉल आता है और तभी यहाँ पे हैदर भी आ जाती है। हैदर को देख के काफ़ी ज़्यादा निक्की हैरान है। हैदर से पूछता है निक्की तुम किसे मैंकी को बताती है कि मेरा छोटा भाई है उसे मैं मैंकी को। तभी हैदर रोने लगती है, तभी उसे निक्की सहारा देता है और दोनों में स्पेशल फीलिंग होती है और दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि निक्की और हैदर काफ़ी अच्छे से रहने लगता। भी उसे उसका गाड़ी हुआ पार्किंग करने जाता है, उसे समझ में आता है जैसे मैं लड़कियों को फंसाता हूँ रिच, वैसे ही हैदर फंसा जाता है। हैदर के बारे में वो जान जाता है, हैदर को वहाँ से 1, 9, 2, 11 का दे फुटा देता है, भगा देता है। और तभी हम देखते हैं कि 2 दिनों के बाद समंता अपने प्राइवेट पार्ट का सर्जरी करा के आई हुई है और निक्की आज कुछ रोमांसिक करने के लिए एक पार्टी में जाता है और एक लड़की को काफ़ी फ्लर्ट करता है, उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अभी समंता कहती तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, इसलिए वह काफ़ी नाराज हो जाती है निक्की से और उसे काफ़ी भला बुरा कर देती है समंता। और निक्की के पास गले मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ऐसे ही थे। तभी हम देखते हैं कि उसकी मोबाइल छीन के निक्की की समंता पानी में डाल देती है और निक्की वहाँ से चला जाता है। निक्की के पास कोई नहीं रहता और निक्की ऐसे ही वाइफ। तभी वह अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वह कहती है तुमने मेरे बारे में पूछा नहीं। तभी वह बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं काफ़ी अपने लाइफ में खुश हूँ, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, अभी तुम मेरा ख्याल रखते हो, तुम मेरे लाइफ के बारे में पूछते। तभी हम देखते हैं वह पार्टी में आया हुआ है हैरी के फ्रेंड के साथ, उसकी फाइट होने वाला हो जाती है क्योंकि हैरी का फ्रेंड काफ़ी लड़कियों के बारे में काफ़ी असभ्य बोल रहा होता है। तभी उसे बहुत मारता है निक्की। तभी हैरी और उसके में फाइट, हैरी बताता है कि तुम भी ऐसा करते। तभी वह बोलता है मैं अपने बहन के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा। तभी सिस्टर के बारे में कुछ अशब्द कर देता है निक्की। तभी हैरी उससे फाइट हो जाती है, वहाँ से निक्की चला जाता है और निक्की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो और निक्की सोचता है कि पार्टी में प्राइवेट पार्टी थी इसीलिए निक्की वहाँ पे उसकी दाल नहीं करती है। तभी हम देखते हैं कि निक्की काफ़ी अपने मदर से बात करने के बाद मदर को अपने बताता है कि मैं जिस लिए यहाँ पे आया मैं अपने हाउस पे गया ही नहीं, मुझे क्या पता कहाँ है। तभी उसकी मदर पूछती है तुम क्या करते हो, उसकी मदर नाराज़ हो जाती है उससे। तभी हम देखते हैं निक्की एक
ग्रीसीज लेडीज़ को फ्लर्ट कर रहा हो, तभी वहाँ पे हैदर उसे नोटिस करती है। हैदर को काफ़ी चीज़ें सिचुएशन के बारे में बताता है, हैदर से माफ़ी भी मांगता है, हैदर उसे माफ़ कर देती है। हैदर जान जाती है कि इसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, तभी हैदर की जान जाती है सिचुएशन कभी कभी काफ़ी पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं हैदर और निक्की। तभी हम देखते हैं कि हैदर और निक्की पार्टी कर रहे होते हैं, निक्की के बारे में काफ़ी काफ़ी कुछ गलत हो रहा होता है। तभी निक्की और हैदर पार्टी में जाते हैं और दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसे आज एक रिच मिनेरियो को फंसाना होता है और हैदर का मदद इसमें निक्की करता है। निक्की कहता है हम दोनों ड्रिंक करेंगे, उसके बाद हमारे साथ तुम डांस करो। तभी देखते हैं कि हैदर उसके साथ डांस करने लगता, तभी मिलेनियर उसके उससे पड़ जाता है और निक्की हैदर से पैसे मांगने लगता है। कहता है तुम्हारा जितना पैसा लगे मुझे कुछ परसेंट ये भी दे देना। तभी हैदर कहती है ऐसा नहीं दूंगी। तभी वहाँ पे दोनों आ जाते, तभी हैदर जहाँ सोई होती है वहाँ निक्की कहते हम दोनों अल्ट हैं, अलर्ट हैं और हम दोनों अपने आप को कंट्रोल। तभी धीरे धीरे घसकते निक्की आ जाए, दोनों यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि निक्की और हैदर काफ़ी तभी वहाँ नाश्ता कर रहे हैं। तभी एक लड़की आती है निक्की की, काफ़ी मज़ा लेने लगती है और हैदर को काफ़ी बुरा लगता है निक्की को। तभी हम देखते हैं दोनों काफ़ी समय तक अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों समझ जाते हैं कि हम दोनों की लाइफ ऐसे ही। तभी हम देखते हैं कि निक्की और हैदर, तभी समंता के पास एक लेटर आता है, समंता को काफ़ी मना रहा होता है निक्की, लेकिन समंता मानती नहीं है और समंता काफ़ी नाराज रहने लगती है। समंता कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। और तभी समंता काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर निक्की के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और समंता कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे नहीं हो, तुम काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो। तभी हम देखें समंता के बारे में निक्की को पता चला समंता न्यूयॉर्क चली गई है। और तभी देखते हैं कि आज निक्की कैफे में, तभी उसके साथ एक लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वह आज पी ली थी ज़्यादा। तभी देखते हैं कि वह गाड़ी रुकती है, तभी समंता का कॉल आता है और उसमें उस लड़की की आवाज़ आने लगती है। इससे समंता समझ जाती है कि वह लड़कियों के साथ है और उसके निक्की समझाने की कोशिश करता है लेकिन समंता मानती भी नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। तभी समंता के हैदर की रूममेट ने निक्की को बताया कि तुम एक रिंग बाई करो और तुम्हें कुछ कुछ और समंता के लिए करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि अपने फ्रेंड हैरी का मदद लेके समंता के लिए रिंग बाई करता है और न्यूयॉर्क आ जाता है। तभी समंता के पास जाता है, समंता से कहता है कि तुम खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी। और इससे तभी दोनों आपस में किसिंग करने वाले होते हैं, तभी समंता हट जाती है वहाँ से, कहती है कि मेरा शादी हो चुका है, मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छे हैं और मैं काफ़ी, तुम तो कुछ खाली सोचते ही रहते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते भी नहीं, इसलिए मुझे डर लगता है तुम्हारे साथ रहने में। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है समंता का और उससे बताते हैं कि डिलीवरी बॉय को थोड़ा सा टिप दे दो। तभी वो टिप दे देता है और वहाँ से समझ जाता है कि, और तभी वहाँ पे देखते हैं कि निक्की सुधर जाता है और वह सचमुच डिलीवरी बॉय का नौकरी करने लगता है। तभी कुछ दिनों बाद समंता के पास आता है, समंता उसे अपने बारे में ख्याल रखने के लिए कहती है और कहती है तुम पर लाइफ में काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस करो। तभी हमें समझ में आ जाता है कि निक्की काफ़ी ज़्यादा सुधर गया है, वह अपने लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और वह काफ़ी अच्छे से अपने लाइफ में रहने लगेगा। आज की मूवी एंड होती है, मूवी अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ऐसी ही मूवी लेके आता ही रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।